तो साथियों, हाजिर हैं हम लेकर आपके आने वाला एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से। साथियों, इसका नाम हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज यूं ही नहीं रखा है, कुछ सोच समझ कर रखा है। कैसे रखा है आपको अभी आगे पता चल जाएगा। और साथियों, आज के जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है हमारी यूपी स्पेशल, यानी यूपी के जीके और जीएस से संबंधित सारे के सारे सवाल यूपी जीएस और जीके से संबंधित हैं। और जो सबसे खास बात है इस प्रैक्टिस सेट की, आज की जो हमारी छठवीं प्रैक्टिस सेट है, इसकी जो सबसे खास बात है साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन्हीं प्रश्नों को केवल रखा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में दो या दो से अधिक बार रिपीट हुए हैं, दो या दो से अधिक बार रिपीटेड प्रश्न है। तो साथियों, ऐसे जब प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो एक पहली जो खास बात है कि यहाँ आपको हो सकता है यहीं से कई सारे प्रश्न मिल जाए। और पहला तो ये है, यहीं से आपको कई सारे प्रश्न अगर रिपीट होंगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और जो दूसरी खास बात है साथियों, आप जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आइडिया आपको लग जाएगा। आप पढ़ने के तरीका को समझ सकते हैं। कोई भी बच्चा साथियों अगर पढ़ने का तरीका समझ गया कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, प्रश्न आते कहाँ से हैं, प्रश्न नहीं कहाँ से आते हैं, तो वो बच्चा सफलता के बहुत नजदीक होता है कम नॉलेज में भी। तो साथियों, इसमें जो है सीरीज में जो है पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हर टॉपिक से जोड़कर प्रश्न आए हैं, हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप यहां से बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आज यहां से आप सीख कर जाएंगे, जो एग्जाम हॉल में आपको मजबूती प्रदान करेगा, आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस विकसित होगा। तो चले साथियों, हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। साथियों, वीडियो को छोड़कर भागेंगे तो इसका मतलब आप तैयारी में कितने ज्यादा जागरूक हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है साथियों। हमारा पहला प्रश्न बहुत बढ़िया साथियों, क्या कह रहा है देखते हैं। देखें, जो हमारा ये पहला प्रश्न है, ये कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल नहीं है। हमें मालूम है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले एनसीआर में शामिल है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। इनका ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा शॉर्टकट में साथियों, B2, G2, M2, SH, यही 8 हैं। यही 8 को अगर आप याद कर लोगे साथियों, B2 से क्या हो जाएगा साथियों, एक बीच से बुलंदशहर, एक बीच से बागपत, और दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, एक M से मेरठ, एक M से मुजफ्फरनगर, और ये शामली, और ये हापुड़। तो यही 8 जिले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आगरा नहीं आया, तो यही आपसे पूछ रहा है कौन सा जिला निम्नलिखित में से एनसीआर में शामिल नहीं है। तो आगरा शामिल नहीं है साथियों, विकल्प नंबर B हमारा यही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया साथियों, चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया साथियों, आगे चले हम लोग देखते हैं। देखें दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, दूसरा में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आपको पॉलिटिकल बॉडीज कुछ दिए हैं और उसमें कह रहा है कौन सा गलत है वही बताइए आप। तो पहला जैसे ही पढ़ेंगे तो लग रहा है विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कह रहा है 90 होता है साथियों, पहला ही गलत है, सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की जो आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, जैसे संसद में जो है, केंद्र में जो है राज्यसभा होती है, ऐसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। तो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या साथियों 100 होती है, ये 90 नहीं होती है। तो यही गलत हो गया और गलत ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर आप ध्यान दिया करिए, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आप गलत कर जाएंगे। तो यही आप ध्यान दीजिएगा साथियों, आपसे कह रहा है कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो यही गलत था और बाकी सब सही है। आपको मालूम है
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, कहीं कहीं आपको 403 भी मिलेगा और ये भी सही है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, आपको ये भी मालूम है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, ये भी सही है। ये तीनों को याद कर लीजिए, सही है, और चौथा वाला गलत था। गलत क्यों था वो भी मैंने बता दिया, 90 जगह पे 100 होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं, देखें तीसरा वाला में हमें क्या कह रहा है। तीसरा में साथियों हमें पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, वही आपको बताना है। साथियों आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो सोनभद्र, जिसे हम उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, जो है एनर्जी का कैपिटल कहा जाता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, तो यही जो है सोनभद्र जो है, ये आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर ऐसे सोनभद्र है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बिहार से भी टच करता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है ये, और आप लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश यानी एमपी से भी सीमा साझा करता है। चार राज्यों से उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है सोनभद्र, और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है सोनभद्र को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है मिनरल्स खनिज वगैरह पाए जाते हैं। तो यही है, याद रख लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे चले हम लोग चौथे वाले प्रश्न में साथियों, चौथा में देखें हमसे क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। साथियों याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार 5 बार रिपीट हो चुका है यह उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न एग्जाम में। तो याद करिएगा उत्तर प्रदेश के जो है कृषि जलवायु कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 9 क्षेत्रों में, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग साथियों, देखते हैं हमारा जो है ये पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न में साथियों हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, साथियों उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को मतलब बेहतर करने के लिए सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया, तो यही पूछ रहा है यह गठन कब किया था, इसी को आप बता दीजिए। तो साथियों यह विकल्प नंबर बी हो जाएगा 98 में, 98 या कहीं कहीं आपको 1999 भी मिल जाएगा, तो ये भी लगा देना, क्योंकि एक में अधिनियम पास हुआ था और गठन उसके समय बाद हुआ था, तो विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा जो है 98 में, बहुत बढ़िया। आगे देखें हम लोग साथियों छठवें में क्या कह रहा है हमसे, देखें छठवें में हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास यानी खनिज को बढ़ावा देने के लिए, खनिज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को विकास करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी साथियों, ये की गया था 1974 में, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 1974 में, बहुत बढ़िया साथियों। आगे हम लोग एक एक आप डेट याद रखिएगा, जो भी संस्थाएं गठित की गई हैं ऐसे संस्थाओं के गठन को लेकर एक नजर दौड़ा लीजिए, कौन सी संस्थाओं का गठन या स्थापना कब किया गया था, इसको याद ले, क्योंकि साथियों जो संस्थाएं हैं वो उनका ये तो स्थापना पूछ लेगा, ये स्थापित कब की गई थी, डेट पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि मतलब उससे उसका काम क्या है, क्यों गठित की गई थी, ऐसे आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैं दोनों क्लियर करते चल रहा हूं। सातवां में देखते हैं क्या है, सातवें में साथियों आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, आपको टेलीग्राम पे हमारा जो है लिंक हम दे दे रहे हैं यो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप जाके टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ की चिंता न करिएगा, कोई पैसा कोई फीस नहीं, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा आंसर की सही। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप लोग वीडियो को भगा भगा कर केवल क्वेश्चन को देखिए, और अगर बहुत तेज है आप तो केवल पीडीएफ आप देख लीजिएगा। आगे देखें क्या कह रहा है, राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था, तो साथियों उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यानी देश में तो आपको मालूम है अप्रैल 1953 में बंबई से ठाणे के बीच जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी, 1953 में, सॉरी यहां हमने 43 लिख दिया, तो 1953 में जो है पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है महाराष्ट्र में, तो लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में जो रेलगाड़ी चलाई गई थी इसके 6 साल बाद यानी 1900
1959 में ये रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के बीच में, यानी पीआरजी, यानी प्रयागराज, इलाहाबाद और कानपुर। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को, कहीं से भी आपको घुमा सकता है। यही प्रश्न पूछा और इसी प्रश्न को थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के हल्का सा अलग कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए प्रश्नों को सुना करिए, सिर्फ प्रश्न का उत्तर जानने से काम नहीं होगा, प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रश्न में से आपको थोड़ा सा घुमा दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो चले हम लोग, यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सातवां का ए हो जाएगा। 1859 में किया गया था उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी का परिचालन। आगे देखें हम लोग आठवें में, आठवें में साथियों क्या कह रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा कट गया है हमारा। तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, यहाँ भाग था कट गया है, कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में, यानी साथियों भारत की जो भूभाग है, जो पूरा भारत की भूमि है, वो भारत की भूमि का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में है, वो प्रतिशत पूछ रहा है। तो साथियों भारत की जितनी भूमि है उसका 7.33% उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। तो कहाँ है 7.33, यहाँ है, विकल्प नंबर सी में हो जाएगा, यही उत्तर है। यानी जितनी भारत के पास भूमि है, पूरे सारे भारत के जो मतलब यूटी और स्टेट को मिलाकर, उसका जो है 7.33% उत्तर प्रदेश के पास है। आगे चले हम लोग देखते हैं नौवा में क्या है साथियों हमारा, नौवे में देखते हैं क्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी हवाई अड्डा, निजी हवाई अड्डा साथियों यानी प्राइवेट सेक्टर का हवाई अड्डा पूछ रहा है, जो है ये विकसित किया गया। तो आपको मालूम होगा साथियों उत्तर प्रदेश का जो पहला निजी हवाई अड्डा जो है आदित्य बिरला समूह ने विकसित किया था, बनाया था, कहाँ बनाया था, सोनभद्र में, जो सोनभद्र के म्योरपुर में, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कहीं का अगर आपको म्योरपुर दे दे तो भी आप याद रखिएगा ये म्योरपुर में बनाया गया था। म्योरपुर कहाँ है, सोनभद्र में है। तो विकल्प नंबर बी यही उत्तर होगा हमारा, निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया था किसके द्वारा, आदित्य बिरला के द्वारा, ये भी याद रखे रहिएगा, आपको पूछ भी सकता है ये भी। आगे चले हम लोग दसवां में देखते हैं साथियों क्या है दसवें में, दसवां में साथियों प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला, प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, यानी आपको उस जिले का नाम बताना है उत्तर प्रदेश के जहां की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या साथियों महोबा है, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, झांसी के बगल में है ये महोबा। विकल्प नंबर दसवां का हमारा ये डी हो जाएगा उत्तर। अगर आपसे यही उल्टा पूछ ले साथियों, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश में, तो आप बता देना प्रयागराज, पीआरजी में लिख दे रहा हूं समझ लेना, प्रयागराज या जिसे पुराना नाम इलाहाबाद। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, सबसे कम महोबा में है, दोनों बातें जानते रहिएगा। आगे चले हम लोग दोहे 12वां 11वां में देखते हैं क्या है साथियों 11वें में। तो उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व तो क्या है, बहुत बेहतरीन साथियों ये प्रश्न यूपीपी में ये भी कम से कम 4-5 बार तो पूछा जा चुका होगा ये भी प्रश्न। तो औसत जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है, इसका मतलब साथियों जैसे 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हीं को जनघनत्व तो बोला जाता है। तो एक औसत जनघनत्व हो सकता है कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, लेकिन एक औसत में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मतलब 1 किलो लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं साथियों वो 829, यानी उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो 829 है, औसत जनघनत्व तो है, इसे याद रखिएगा। तो औसत जनघनत्व का मतलब ये होता है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है, उसको मिलाकर औसत ले लिया गया है। तो विकल्प नंबर डी 859 हो जाएगा। अगर यही साथियों आपसे अगर भारत के क्षेत्र, ये तो यूपी का है, ये जो आपसे 829 बताया जनघनत्व यूपी का है, अगर आपसे यही कहीं उल्टा अगर थोड़ा सा घुमा दे कि भारत का जनघनत्व तो बताइए, तो भारत का जनघनत्व तो 382 होगा साथियों, इसको याद रखिएगा 382, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को क्लियर करते रहेंगे तो हमारा एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हमें जरा सा भी नहीं होगा। आगे चले हम लोग 12 में देखते हैं क्या है हमारा, 12वें में साथियों हमसे पूछ रहा है कि राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला बताइए। ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर जनघनत्व बहुत कम है,
यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा के क्षेत्र में बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो वो कौन सा है साथियों? हमारा वो जिला कौन सा है? ललितपुर है, विकल्प नंबर बी, ललितपुर, जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा है। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है, तो वो है ललितपुर साथियों, विकल्प नंबर ए। तो यही ललितपुर में सबसे कम लोग रहते हैं, औसत जनगणना तो सबसे कम है, तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग, तो हमारा 13वां हम लोग देखते हैं क्या है 13 वाले में। तो साथियों यहां पर हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता न्यूनतम है। साक्षरता यानी यहाँ साथियों ऐसे लोग जो अपने मतलब पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं, जो अपने नाम लिख सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, तो ऐसे साक्षर लोगों की बात कर रहा है। तो किस जिले की साक्षरता न्यूनतम है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे हैं किस जिले में? तो साथियों विकल्प नंबर बी, इसको याद भी कर लीजिएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती मतलब किसी का श्राप लग गया होगा, इसलिए यहाँ के लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं। मतलब ये मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, श्रा से श्राप, श्रा से श्रावस्ती। तो ऐसे चीजों को याद करेंगे तो ये गट्ठी की तरह आपके दिमाग में बंधी रहेगी, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा ये। तो विकल्प नंबर बी, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। अगर इसको आपको थोड़ा सा उल्टा पूछ ले कि ये बताइए सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक साक्षरता अगर आपसे पूछ ले, तो आप अधिक वाले के लिए क्या बताओगे साथियों? तो आप अधिक वाले के लिए बता देना गौतम बुद्ध नगर। वैसे भी गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा विद्वान थे, तो ऐसे ही समझ जाना हाँ गौतम बुद्ध विद्वान थे, तो यहाँ का जो नाम पड़ा है गौतम बुद्ध के नाम पे, यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो गौतम बुद्ध नगर, तो याद रखिएगा यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे कम श्रावस्ती में है। आगे देखें हम लोग साथियों, 14 वाले में क्या पूछ रहा है। तो प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, लिंगानुपात पूछ रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात। आप लोग देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर जिला है साथियों, जो मेरा गृह जनपद भी है, मैं वही का हूँ, तो गृह जनपद मेरा जौनपुर है, तो यहाँ जो है बहुत ज्यादा जो है 1,018 जो है लिंगानुपात है। लिंगानुपात हमेशा जो लिखा जाता है वो लड़कियों की जनसंख्या लिखी जाती है, 1,018, इसका मतलब साथियों ये है कि 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो होती है वही लिंगानुपात होता है। तो यानी यहाँ 1,000 लड़कों पर 1,018 लड़कियां हैं लगभग। अगर पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये 912 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912, जो 2001 में 98 था, 898, तो ये 14 पॉइंट बढ़कर ये 912 हो गया। तो उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ जौनपुर जिले की सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर जिला है, विकल्प नंबर ए। आगे चले साथियों, क्या है हमारा अगला प्रश्न देखें, 15 वाले में क्या है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, जिसे हम लोग एसटी कहते हैं, एससी नहीं, एसटी, एसटी को हिंदी में हम लोग जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं, तो ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, मतलब सॉरी मतलब कह रहा है उत्तर प्रदेश में एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, यानी जितना भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उस जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है? तो एसटी का प्रतिशत मेरे भाई 0.6% है, इसको याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ कहाँ दिया है? बी में दिया है, ये है, ये याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एससी पूछेगा तो एससी पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा साथियों, वो 16.6 हो जाएगा, 16.6% हो जाएगा एससी, इतने हैं यूपी में। लेकिन एसटी की बात है तो थोड़ा सा ध्यान देकर प्रश्न को सॉल्व करिएगा, अगर इस टाइप में आए तो एसटी 0.6%, तो दोनों को क्लियर करिएगा, ये एसटी पूछा है। आगे चले हम लोग 16 में, 16 में क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शून्य और अनुसूचित जनजाति, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या एकदम शून्य है, उसको बताना है। तो साथियों अयोध्या, विकल्प नंबर ए, अयोध्या में जो है एसटी की संख्या शून्य है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। और सबसे अधिक अगर पूछे
तो वो सोनभद्र हो जाएगा। सबसे अधिक यहाँ याद मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे अधिक जो है ये सोनभद्र में होंगे, और सबसे यहाँ पर एकदम जीरो जो है वो अयोध्या में होंगे, और सबसे कम बागपत में। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा साथियों? बागपत में। बागपत विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा जो है ए, मतलब शून्य पूछा है तो ए हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो बागपत, सबसे अधिक पूछे तो सोनभद्र। आगे चले हम लोग, अगले आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। इसमें बहुत बढ़िया सवाल है साथियों, आपके कल्चर से दिया हुआ सवाल है। कह रहा है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान का संबंध किस किस घराने से है। तो बिस्मिल्ला खान साथियों आपसे पूछ लेगा कभी, तो ये किससे संबंधित है तो आप बता देना, ये शहनाई से संबंधित है। और यही पूछ रहा है कि किस घराने से संबंधित है बिस्मिल्ला खान, तो आप बता देना ये बनारस घराने से है। विकल्प नंबर ये हो जाएगा सी, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। तो विकल्प में थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा बनारस घराना। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, बी से बनारस और बी से बिस्मिल्ला, तो ये चीजें आप याद रखिएगा दोनों को। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है साथियों हमारा? सोहर लोकगीत, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कल्चर से प्रश्न आने लगे हैं। सोहर लोकगीत का गायन किस क्षेत्र में होता है? तो साथियों इसका लगभग तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में होता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ ये सी हो जाएगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, अवध क्षेत्र। वैसे तो पूर्वांचल में भी होता है, लेकिन अवध में भी होता है। जैसे हम लोगों का जौनपुर जो पूर्वांचल पड़ता है, यहाँ भी होता है। अधिकतर सोहर जो होता है साथियों, वैसे तो लड़कियों में भी होता है, जिसको खुशी होती है, जिसको लड़कियों की चाह होती है, लेकिन सोहर अक्सर ये कहा जाता है कि ये पुत्र की पैदाइश की खुशी में ये गाया जाता है। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, अवध क्षेत्र में। आगे चले हम लोग 19 का देखते हैं। तो 19 वाले में साथियों क्या हमसे पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के चार स्थानों के नाम दिया गया है, चार जो मतलब बड़ी बड़ी स्थान के जो संबंधित हैं। तो कह रहा है ऐसा कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो साथियों फतेहपुर सीकरी ये भी शामिल है जो है विश्व धरोहर में, आगरा का किला भी शामिल है, ताजमहल तो शामिल है ही, आप लोग जानते हैं। तो यही एक बचता है यहाँ। तो देखिए साथियों कुछ प्रश्न होते हैं दिमाग लगाकर सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर दिमाग अगर आप लोग थोड़ा सा लगाएंगे तो फतेहपुर तो सीकरी बहुत फेमस है, आगरा का किला, ताजमहल तो है ही, तो एक बचता है यही हमारा लखनऊ का इमामबाड़ा, यही जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर सी हमारा यही उत्तर होगा। आगे चलते हम लोग 20 वाला देखते हैं क्या है 20 में। उत्तर प्रदेश में मुगल काल में, उत्तर प्रदेश में मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। तो साथियों हमारा जौनपुर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही जौनपुर, ये बी होगा। साथियों हर जगह यही गड़बड़ी है टाइपिंग में, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो विकल्प नंबर बी जौनपुर जो है, इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व का सिराज। तो ये मुगल काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र जौनपुर। आगे देखते हैं हम 21 में, और 21 में क्या कह रहा है? प्रसिद्ध भारत माता मंदिर, भारत माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, ये है बनारस में, वाराणसी में, और इसे किसने बनवाया था साथियों? शिव प्रसाद गुप्ता ने बनवाया था। विकल्प नंबर ये हो जाएगा डी हमारा, वाराणसी में है। स्थान पूछा है कहाँ पर अवस्थित है, या अगर पूछ लेगा भारत माता के मंदिर की स्थापना किसने करवाया था, तो OSP गुप्ता ने, शिव प्रसाद गुप्ता। तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 22 में देखते हैं क्या है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, सूफी संत हैं साथियों, इनको मालूम है वारिस अली शाह, इनकी मजार कहाँ है? तो इनकी मजार साथियों जो है वो अलीगढ़ में है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़ में।
अलीगढ़ में है, तो याद रखिएगा आप लोग। नहीं साथी, ये गलत हो जाए, यहाँ पर हमने गलत बता दिया, ये देवा शरीफ, ये हो जाएगा, ये सी वाले में, ये देवा शरीफ बाराबंकी में है, हाजी वारिस अली शाह की मजार, ये बाराबंकी में है देवा शरीफ, ये सी वाला उत्तर होगा, बी वाला नहीं होगा, यही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, ये 23 में क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, उस स्थान का नाम बताना है। यहां से दो प्रश्न बनते हैं, अगर आपसे केवल इतना भी पूछ ले साथियों, जो है ये अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बता देना कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें पूछा है कहाँ किया जाता है, तो वाराणसी में किया जाता है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे चले हम लोग, ऐसे भी प्रश्नों को तोड़कर जोड़कर सभी हर तरीके से प्रश्नों को जाना करिए, समझा करिए। आगे देखें हम 24 में साथियों, आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये कम से कम 5 बार पूछा गया होगा यूपी के, यूपीपी के विभिन्न एग्जाम में। तो साथियों बहुत सरल है, इसका कंसेप्ट मैं आपको दे दे रहा हूं, कभी नहीं भूलेगा, कि आर्थिक क्षेत्र से, याद रखिए आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है, अभी जलवायु की दृष्टि से बताया था तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कुल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर होगा। ऐसे आप मान लीजिए साथियों, ये जो है उत्तर प्रदेश का ये जो मैप है, तो ये उत्तर प्रदेश का ऐसे मैप समझ लीजिए आप, तो एक पूर्वी क्षेत्र हो गया, एक पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र हो गया, और ऐसे इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र और सेंट्रल यानी केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, और ये है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, यही 4 क्षेत्रों में, यानी एमपी से जो सटा हुआ है, ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र हो गया, और ये पश्चिमी और ये पूर्वी और ये केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, तो ये चार ही, यही 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से बांटा गया है। आगे चलें, 25 में साथियों क्या कह रहा है हमें, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो याद रखिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था, यानी जो गांव में जो सबकी आजीविका के लिए जो खादी का ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए, मतलब खादी कपड़ों को बनाया जाता था, तो उसकी जो है गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका गठन साथियों ये विकल्प नंबर, ये 1960 में किया गया था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर बी 1960 में किया गया था खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में। 26 में देखते हैं क्या है, 26 में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान, गन्ना किसान संस्थान कहाँ अवस्थित है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये साथियों लखनऊ में है, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा लखनऊ में। आगे चले हम लोग, आगे देखें क्या कह रहा है 27 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिए कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ कुछ संस्थान दिया है और दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया, कौन सा संस्थान कहाँ है, और जो गलत है उसी को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको जो गलत है, यानी कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसे पकड़ना है, तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है, ये तो सही है, ये उत्तर नहीं होगा हमारा क्योंकि हमसे गलत पूछा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ये भी सही है, तो जब ये सही है तो ये उत्तर नहीं होगा, हमसे गलत पूछा है, और कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, यानी बरेली के इज्जत नगर में है, ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, हमसे गलत पूछा है, तो हमें जब 3 क्लियर हो गया, प्रथम 3 हमारा सही है, तो गलत हमारा चौथा ही होगा, तो हमने पकड़ लिया उत्तर को, हमें नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हम दिमाग लगा लिए कि 3 सही है तो चौथा ही गलत होगा, क्यों गलत है कि राष्ट्रीय, ये बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान करा है गाजियाबाद में है,
तो साथियों ये गाजियाबाद में नहीं है, ये जो है मेरठ में है, मेरठ में। तो याद रखिएगा, ये तो यही है इसका जो है, ये मेरठ में है। तो विकल्प नंबर डी हमारा गलत है। अबीबी गिरी कौन थे? ये राष्ट्रपति थे 69 से लेके 74 तक जो है भारत के, तो इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। पहले राष्ट्रीय श्रम संस्थान था, बाद में इसमें इनका नाम जोड़ दिया गया। आगे देखें हम लोग साथियों, ये नोएडा में, साथियों ये मेरे मैंने मेरठ गलत बता दिया, ये नोएडा में है, नोएडा में, सॉरी इसके लिए नोएडा में है। आगे देखते हैं 28 में, 28वें में देखें क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान को इंग्लिश में साथियों कहते हैं मेडिकल साइंस, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान यानी ग्रामीण मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो साथियों ये है सैफई जो है इटावा में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 28 का हमारा ए हो जाएगा, इटावा जिले के सैफई में। आगे देखें हम जो 29 में क्या है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश कहाँ बनाया गया है? देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है ये पूछ रहा है, तो ये राल्होपुर वाराणसी में बनाया गया है, विकल्प नंबर ए राल्होपुर वाराणसी में, 29 का ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें 30 में हमारा क्या कह रहा है साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है? बहुत लाजवाब प्रश्न, ये प्रश्न यूपी पुलिस और अन्य तरह के एग्जाम में अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 8-9 बार ये पूछा जा चुका है। तो कह रहा है किसका भाग सबसे, उत्तर प्रदेश में जो बिजली उत्पादन होती है तो उसमें सबसे ज्यादा किसका भाग है, किसका योगदान है? तो साथियों जल, ये तापी विद्युत, ये विकल्प नंबर ये हमारा सी हो जाएगा, तापी विद्युत यानी थर्मल पावर के, यानी कोयला जलाकर जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसी को तापी विद्युत कहा जाता है, तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा ये जो है जल विद्युत आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर सोलर इस समय है, सोलर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस समय, हो सकता है थोड़े समय में ये जल विद्युत को पीछे छोड़ दे, तो विकल्प नंबर सी हमारा होगा तापी विद्युत। आगे देखें 31 में क्या है, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है इसको बताना है। तो साथियों नरौरा बुलंदशहर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 31 का हमारा ये नरौरा है, और नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। अगर आपको ऐसे कभी पूछ ले तो भारत का पहला, ये तो उत्तर प्रदेश का पूछा, तो भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो आप बता देना तारापुर, तारापुर। तो दोनों तरीके से आप जो है सजग रहिएगा, गलती ना होने पाए आपसे। आगे देखते हैं हम लोग 32 में, 32 में साथियों क्या कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार खनिज नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज नीति कब घोषित की गई है ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो इसमें जो सबसे पहली बार जो खनिज नीति की घोषणा हुई थी साथियों, ये 1996 में हमारा बी हो जाएगा, ये 98 में ये हो जाएगा सी, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा 98 में। तो टाइपिंग में साथियों इस समय गलती हो गई है लगभग कई जगह, तो हम इसको करेक्शन करेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो विकल्प नंबर बी जो है यहाँ सी है, 98 में ये प्रथम बार खनिज नीति की घोषणा की गई थी। आगे देखें हम लोग 33 में, देखें कह रहा है कि भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चीनी मिल स्थापित की गई थी, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली चीनी मिल थी, तो कौन थी साथियों? हमें मालूम है देवरिया में है, इतना तो कंफर्म है, जब देवरिया में है तो एक ही जगह यहाँ देवरिया नाम है, हमें उसका एग्जैक्ट स्थान तो नहीं मालूम है लेकिन मालूम है हाँ देवरिया में है। तो साथियों इससे हम अनुमान लगा लिए, हाँ हमारा उत्तर यही होगा क्योंकि हमें देवरिया क्लियर है, तो अब ये क्लियर होगा हाँ प्रतापपुर में है, तो सी हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी प्रतापपुर देवरिया में भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल लगाई गई थी। 34 में,
मुगल कालीन इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति टोडरमल का संबंध उत्तर प्रदेश की किस स्थान से? तो साथियों, मुगल काल के इतिहासकार हैं टोडरमल, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। तो यही कह रहा है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से थे, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया साथियों, एक एक चीज पर ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा कहाँ कौन कैसे है उससे संबंधित है। तो आगे देखते हैं हम लोग 35 में क्या है। चिश्ती जिले के महान सूफी संत, आप लोग मालूम है जो निजामुद्दीन औलिया, यह किस सिलसिले से संबंधित हैं? यह चिश्ती जिले से संबंधित हैं। जो चिश्ती सिलसिले के महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है साथियों। तो कहाँ हुआ था आप लोग को मालूम होगा यहाँ पर साथियों, एकदम सिंपल सा सवाल, बदायूं में हुआ था, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़े हम लोग, जो सवाल सिंपल है उसे आप लोग तो याद ही होगा, उस पर हम ज्यादा जोर नहीं कसते हैं क्योंकि वो चीजें जो है सबके दिमाग में होती हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों के जन्म के स्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, एक तरफ आपको दिया है कुछ उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व, दिया है कुछ व्यक्तियों के नाम है, और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है। तो कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत है, उसी को आपको जो है पकड़ना है। देखें, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनकी मूर्ति बीएचयू के गेट पर लगी है, तो लोग सोचते हैं भैया यही गलत होगा, ये बीएचयू पर लगी है तो ये बनारस के ही होंगे। तो नहीं, ये प्रयागराज के थे और इनकी कर्म भूमि जो है बनारस ही रही है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज, इनका जन्म हुआ था, ये सही है। लेकिन हमें गलत पूछा है, गलत को उत्तर बताना है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू प्रयागराज दे दिया है साथियों, गलत। मोतीलाल नेहरू, ये पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनका जन्म साथियों प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज के बगल में प्रतापगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? प्रतापगढ़ में। पर इनके बाद जो है प्रताप, इनके बाद यानी मोतीलाल नेहरू जी के बाद जिनका जन्म हुआ, जैसे इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इन सबका प्रयागराज में हुआ है, लेकिन जो मोतीलाल नेहरू थे इनका प्रतापगढ़ में हुआ था। तो यही गलत है। तो विकल्प नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, यही गलत। हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं था, और बाकी सब सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर, ये भी सही है, लाल बहादुर शास्त्री चंदौली बनारस के बगल में। तो यही, ये सब सही है अपनी जगह पे, बी वाला गलत था। तो क्यों गलत था मैंने आपको बता दिया। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहा है साथियों, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, आपको मालूम होगा। तो भास्कराचार्य के गणित पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों, किसने फारसी में अनुवाद किया था इसका, तो 37वें का ये आपको बताना है साथियों। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, शेख फैजी ने लिखा था, विकल्प नंबर बी, शेख फैजी ने अनुवाद किया था फारसी में। तो देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि कुछ विशिष्ट योग्यताओं के कारण अकबर ने अपना मुख्य सलाहकार किसे बनाया था? तो साथियों, अकबर ने अपना मुख्य सलाहकार अबुल फजल को बनाया था। यह बहुत ही तर्क वितर्क करने की शक्ति इसमें बहुत अच्छी थी, अबुल फजल, यह इतिहासकार भी था। तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा, विशिष्ट योग्यताओं के कारण अकबर ने किसे अपना सलाहकार बनाया, तो अबुल फजल को बनाया था, विकल्प नंबर डी हो जाएगा 38 का हमारा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप दहसाला बंदोबस्त किसने स्थापित किया था? तो इसको आपको दो तरीके से पूछ लेगा, कह देगा कि ये दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो ये भू राजस्व व्यवस्था का एक नवीन स्वरूप था दहसाला बंदोबस्त, तो ये किसने स्थापित किया था इसे? तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, टोडरमल, जो भी बताया था ये सीतापुर से संबंधित था, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, टोडरमल। आगे देखें हम, आगे देखें क्या है साथियों हमारा प्रश्न ये अगला। सल्तनत काल के महान इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी ये सल्तनत कालीन के बहुत बड़ा इतिहासकार है। तो इसका जन्म, इसने एक बहुत अच्छा लिखा था ग्रंथ, उस ग्रंथ का आप नाम बताएंगे कमेंट में।
तो बरनी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो बरनी का जन्म साथियों, आप लोग यहाँ चार नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश के जिले का, तो इसमें बरनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुलंदशहर, बी से बरनी, बी से बुलंदशहर, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम 41 में देखें क्या है हमारा। 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है, 1857 की क्रांति की इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा है, हाँ ये झांसी से संबंधित है, जो है इनकी कर्मभूमि जो है झांसी थी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लोग इसमें कह देंगे कि झांसी ज्यादातर लोग लगा देंगे, नहीं झांसी नहीं, इनका जन्म वाराणसी बनारस में हुआ था और इनकी शादी जो है झांसी के एक राजा से हुआ था जो मर गए, तो इन्होंने सत्ता संभालने की कोशिश की लेकिन अंग्रेजों से लोहा लिया, अंत में जो है वीरगति प्राप्त हुई इनको। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा वाराणसी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, बचपन का नाम मनु था, ये सब चीजें याद रखिएगा। 42 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा नहीं किया गया है, इस पर जरूर जोर दीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत कर देंगे। तो चले हम लोग देखते हैं कौन नहीं किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत, इनको भी मिला है, ये भी सही है, हमसे पूछा है किनको नहीं मिला है, तो लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है, मदन मोहन मालवीय को भी मिला है, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनको नहीं मिला है, डी हो जाएगा, यही 42 का डी हो जाएगा हमारा उत्तर, यही उत्तर होगा, इन्हीं को नहीं मिला है। तो इन्हीं के नाम से एक जो है एक मुगल सराय स्टेशन जो है इन्हीं के नाम से रख दिया गया है, वहीं के ये थे, तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर होगा, इन्हें नहीं मिला है, बाकी ये उपर्युक्त तीनों को मिला है। आगे देखें हम लोग 43, निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों यहाँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व किया जाता है, आपको नॉलेज नहीं है फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर निकल आएंगे, कुछ दिमाग लगाने से, कुछ लोग, एक कहावत है ना गाँव में कि दिमाग लगाने से मुर्गा भी अंडा देगा, तो कैसे देगा वो बात की बात है, लेकिन दिमाग तो पहले लगाइए। तो देखें, नहीं मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, तो काकोरी कांड में फांसी किसे दिया गया था? तो आपको मालूम होगा चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, नहीं पकड़ पाई थी पुलिस इनको, तो ये तो नहीं हो सकते, किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो इनको तो नहीं दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, तो साथियों इनको तो आप पहले छोड़ दीजिए, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को तो बाद में दिया गया था, असेंबली बम कांड में पकड़ा गया था और बाद में एक मर्डर के मामले में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो बचते हैं यही राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हीं को जो है काकोरी कांड में फांसी दिया गया था, जो है विकल्प नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग 44 में, 44 में क्या कह रहा है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, इसे हिंदी में नाम दिया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी बहुत बढ़िया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक जेल में से लिखी थी, वो जेल का नाम क्या था? अहमदनगर जेल। तो यही पूछ रहा है यह रचना किस जेल में से लिखी गई थी? तो विकल्प नंबर ए, अहमदनगर जेल में रहते हुए नेहरू जी ने यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे थे। तो ये आपको मालूम होगा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें नेहरू जी गिरफ्तार हुए और 1942 से लेकर 1945 तक जेल में थे, अहमदनगर जेल में, वहीं से इसको लिखे थे, तो विकल्प नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल से संबंधित नहीं है? यानी आपको चार घटनाओं के नाम दिया गया है, वो चारों में से कौन सा ऐसा है जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल से संबंधित नहीं है? तो साथियों ये एक चीज आप लोग देखेंगे, ये भूमि हथबंदी यानी भूमि सुधार से संबंधित है, एक तरह का भूमि सुधार था, भूमिहीनों को भूमि देने का प्रावधान था इसमें, ये इंदिरा गांधी से संबंधित था, 1971 में आया था ये। प्रीवी पर्स की समाप्ति यानी एक तरह का राजभत्ता जो था उसको समाप्त करने का प्रावधान था साथियों, ये भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल से संबंधित था।
और एक ताश, ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप लोगों को मालूम होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण धुआंधार तरीके से इंदिरा गांधी जी ने किया था, दो दो बार बैंक मनमानी कर रहे थे तो उनको अपने अंडर में ले लिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका। तो ये तीनों सही है, तीनों जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल से संबंधित थे, ए वाला, डी वाला और बी वाला। तो एक ताशकंद समझौता है साथियों, आप लोग को मालूम होगा ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। ताशकंद समझौता इंडिया और, आप लोग को मालूम होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जो है ये प्रधानमंत्री थे, 1965 का जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो इसको युद्ध को समाप्त करने के सिलसिले में और ताशकंद में एक समझौता हुआ था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति के बीच, ताशकंद में। तो समझौता 1966 में हुआ, जिस दिन समझौता हुआ उसके अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का एक जो है अचानक मृत्यु हो गई। तो इसी से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल से संबंधित है ताशकंद समझौता, याद रखिएगा। तो यही जो है इंदिरा गांधी से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 46 में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार जिनका नाम है फिराक गोरखपुरी, तो फिराक गोरखपुरी जो उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं, इनका मूल नाम था, मूल नाम क्या था साथियों, इनका मूल नाम आपसे पूछ रहा है, तो इनका मूल नाम चार दिया है यहाँ पर, रघुपति सहाय, मिर्जा दबीर, मोहम्मद सलीम, रमेश चंद्र पाथी। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, रघुपति सहाय, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, यही इनका मूल नाम था। आगे देखें 47 में, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया। अभी अभी मैंने इसका चर्चा किया था साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, ये वही के थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। आगे चले हम लोग देखते हैं 48 में, बहुत बढ़िया, रचनाओं और उनके साहित्यकारों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यानी कौन सा मिसमैच है, एक तरफ रचना और एक तरफ जो है साहित्यकार। तो पथ के सारथी किसने लिखा है साथियों, महादेवी वर्मा ने लिखा है, सही बात है। कामायनी किसने लिखा है साथियों, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये भी सही है। और ये नमक का दरोगा किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो साथियों ये तीनों सही हैं, जब ये तीनों सही है साथियों तो गलत कौन सा है, यह डी वाला गलत होगा, यानी डी ही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। ये ध्रुव स्वामिनी कह रहा है कि गणेश, ये ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव ये स्वामिनी एक नाटक है, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं लिखा है, बल्कि यही जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। तो इसको यही जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, एक नाटक है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। 49 में देखते हैं, निम्नलिखित उर्दू साहित्यकारों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो साथियों मुल्ला रमूजी ये एमपी से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो यही है, यही इसका उत्तर होगा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, मिर्जा अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, नजीर जो है अकबर राबादी, तो ये तीनों यूपी से संबंधित हैं और जबकि ये एमपी से। 50 में देखते हैं साथियों हम, 50 में कह रहा है, उत्तर प्रदेश के खेल व्यक्तियों एवं उसके खेलों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों एक तरफ उत्तर प्रदेश के खेल से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम है, दूसरी तरफ उनका कौन सा खेल है वो दिया है। तो देखें मेजर ध्यानचंद, हमें नहीं आता है लेकिन फिर भी हम उत्तर को निकालेंगे, देखो कैसे। मेजर ध्यानचंद जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी से ही संबंधित है, यस, लेकिन हमको गलत वाले को पकड़ना है। रुद्र प्रताप सिंह ये क्रिकेटर है साथियों, सबको मालूम है, पुराने वाले जो लोग होंगे समझते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। नरसिंह यादव ये कुश्ती से संबंधित है, तो इन तीनों को हमें मालूम है अच्छी तरह से, तो हमें ये जब तीनों क्लियर है, हाँ ये तीनों अपनी जगह पे सही हैं, तो गलत यही डी वाला होगा, सैयद मोदी एथलेटिक्स से संबंधित नहीं है, किससे है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने उत्तर को समझ लिया क्योंकि ये तीनों हमें क्लियर था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, सैयद मोदी एथलेटिक्स से संबंधित तो नहीं है लेकिन किससे संबंधित है, ये आपके लिए लास्ट प्रश्न था और इसका
जवाब मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप दीजिएगा इसका। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास जरा सा भी अच्छा लगा हो साथियों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है हर एक एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। तो साथियों, आपको अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया था, पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहा हूं। तो हम लोग मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।